हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे बोल रहा है व्हाई डू वी प्रेफर टू यूज ए स्क्रू ड्राइवर हैविंग लॉन्ग आर्म। मतलब एक स्क्रू ड्राइवर का जो आर्म होता है वो लंबा क्यों होता है। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई आंसर यहाँ लिखा हुआ है, आप उसको नोट कर लीजिए, मैं बस समझा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये एक नट है, अब इस नट को हमें ओपन करना है। तो इस नट को अगर हमें ओपन करना है बच्चा, तो इसमें आपको कुछ इस तरह का रेंच लगा करके इसको घुमाना पड़ेगा, ओके। तो इसको जब आप घुमाएंगे तो यहाँ पर एक फोर्स देंगे, ये फोर्स देंगे आप यहाँ पे एफ। साथ ही साथ जिस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं, इसके अबाउट आप घुमा रहे हैं, तो इससे इस फोर्स का कुछ दूरी भी होगा, जिसको हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर दूरी। हम लोग क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो टॉर्क होता है बाबू, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, समझ गए। तो देखिए, अगर आपको आराम से घुमाना है तो आप चाहोगे कि फोर्स कम दे, अगर फोर्स कम दे रहे हो तो इसको तो बढ़ाना पड़ेगा। तो इजिली रोटेट कराने के लिए टॉर्क ज्यादा होना चाहिए, टॉर्क ज्यादा होगा तभी वो घूमेगा। तो अगर टॉर्क आप ज्यादा रखना चाहते हो और चाहते हो कि फोर्स हम लोग कम दे, तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बढ़ा दो, मतलब कि जो आर्म है उसका लेंथ को बढ़ा दो, समझ गए। तो टॉर्क और टर्निंग इफेक्ट ड्यू टू फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन आर इज मैक्सिमम। सो हम लोग चाहते हैं कि रेंच या जो भी रहेगा स्क्रू ड्राइवर, उसके लिए हमारा जो लेंथ ऑफ द आर्म है वो ज़्यादा रहे, ताकि हमें फोर्स कम देना पड़े और टर्निंग इफेक्ट आराम से हो जाए, इजिली वो अनस्क्रू हो जाए। तो उम्मीद आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।